हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई बीट बिलिंग में। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 14 जुलाई से हमारी पैराग्लाइडिंग क्लोज हो चुकी है, तो अब 15 सितंबर से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होगी। 2 महीनों के लिए बिल्कुल ही बंद रहती है क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा होती है। बीटविल देख सकते हो आप, क्लाउड बहुत ही नीचे आ चुके हैं, तो इसके कारण बीट बिलिंग में फॉग पड़ी रहती है। ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, दिख भी नहीं रहा है आज क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है आजकल यहाँ पर। आपको पता है ये कुल्लू मनाली में कितनी तबाही हुई है इस बार बरसात के कारण। तो हमारी कमर्शियली 2 महीने के लिए छुट्टियाँ होती है पैराग्लाइडर पायलट्स की, और हमारी साइट भी बंद रहती है। तो मैं आपको 2 महीने के लिए कोई भी पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा। दोस्तों, आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है मुझे पैराग्लाइडिंग की वीडियो में, तो मैं अब आपको बोलना चाहता हूँ, जितना प्यार आप पैराग्लाइडिंग की वीडियो में देते हैं, अब ये 2 महीनों में मैं आपको दिखाऊंगा कि पायलट अपनी छुट्टियां मनाता कैसे है, कहां कहां घूमने जाता है, और घर में उसकी कैसी दिनचर्या रहती है। तो आपने उतना ही प्यार देना इन 2 महीनों में भी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुल्ली लैंडिंग साइट पे है जहां पर पैराग्लाइडर लैंड होते हैं, बिल्कुल ही सुनसान हो चुकी है लैंडिंग, एक भी लोग नहीं दिखेगा आपको यहाँ पर अब 2 महीने के लिए। ये देखिए, रोड पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और एक 40 कैफे की बाइक खड़ी हुई है वर्कर की, और एक दो लोग लैंडिंग साइट पे घूम रहे हैं। तो अब कुछ इस तरह का माहौल रहेगा लैंडिंग साइट पे, होम स्टे, होटल, कैंप साइट सब कुछ बंद रहेगी। और मेरा घर बिल्कुल लैंडिंग साइट पे है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल लैंडिंग पे खड़े होके दिखा रहा हूँ पूरा व्यू। यहाँ पर मॉनसून बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए 2 महीने के लिए हम पैराग्लाइडिंग बंद रखते हैं। तो जो भी पैराग्लाइडिंग करना चाहता है वो 15 सितंबर के बाद ही आए। और दोस्तों, आपने उतना ही प्यार देना जितना आपने पैराग्लाइडिंग की वीडियो में दिया है। मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्लिप दिखाऊँगा हिमाचल प्रदेश में कि कितने सुंदर सुंदर जगह है यहाँ पर घूमने के लिए। अब हम कुछ ही दिनों में निकलेंगे घूमने के लिए भी, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि पायलट किस तरह से अपनी छुट्टियां मनाते हैं। तो दोस्तों, आपने पूरा प्यार देना उन वीडियो में भी, और आप जितना प्यार दोगे तो मैं आपको उतनी अच्छी अच्छी वीडियो दिखाता रहूंगा। और 15 सितंबर के बाद आपको फिर से पैराग्लाइडिंग का रोमांच दिखेगा। तो दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट सूचना मैंने आपको दे दी है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है, तो जो भी हिमाचल प्रदेश में घूमने के बारे में सोच रहा, तो वो हिमाचल प्रदेश में ना आए आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं यहाँ पर, बाढ़ आ रही है, पानी का स्तर बहुत बढ़ चुका है, कभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और उसके बाद पता नहीं चल रहा कि कब कितना पानी आ जाए और कब लैंडस्लाइड हो जाए पहाड़ों पर। तो आप जहाँ भी हो वहीं रहें, ओपन एरिया में ही घूमें, पहाड़ों पे ना आए। और दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि वीडियो दिखाता रहूँ। थैंक यू।